हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं कांता और आज आपके लिए लेके आई हूं ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्लासेस। ग्रेजुएशन का जो हमारा बीए का जो थर्ड पार्ट है, यानी कि फाइनल ईयर वालों के लिए एक हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस पे स्पेशल क्लासेस। तो जो सेमेस्टर उनका सिक्स्थ है, सिक्स सेमेस्टर में उनकी जो पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उस बुक से हम लेके आए हैं उनके लिए एक क्लास। देखते हैं आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है राष्ट्र संघ की उत्पत्ति एवं विकास, ऑरिजिन्स एंड इवोल्यूशंस ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। तो इसमें आज हम जो टॉपिक है वो कवर अप करने वाले हैं, वो है राष्ट्र संघ क्या है, राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राष्ट्र संघ क्या है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्र जो संघ है वो कैसे बना। अब उसमें क्या होता है, कोई भी राष्ट्र है, ठीक है, तो वो संघ कब बनाता है, जब उसे ये लगता है कि हमें क्या है, शांति की ज़रूरत है, हमें शांति की ज़रूरत है, तो क्या हम यूज़ करेंगे, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्र संघ क्या था कि जब हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इसके अंतर्गत हमारे क्या हुए, तो दूसरे विश्व युद्ध में जो पहला विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध, उनके बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम क्या है, जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, जन धन का नुकसान जो होता है उसकी भरपाई क्या है कि जो देश होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, धन भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था, लोगों का नुकसान भी बहुत हुआ था, लोगों के स्वास्थ्य पर भी नुकसान हुआ था। तो इन सब से बचने के लिए एक संगठन का निर्माण किया जाता है, उस संगठन को मतलब कि सभी राष्ट्र सभी देश मिलकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जिससे क्या हो, सभी देशों में आपसी जो है सम्मान का भाव, अच्छे संबंध बने रहे। तो वही क्या हुआ कि जब सभी इकट्ठे हो गए, सभी देशों ने मिलकर ये चीजें सोची, तो ये क्या बन गया, राष्ट्र संघ बन गया। इसी के साथ नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई हमारी, उसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा कि जो राष्ट्र संघ है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो भी नुकसान हुए, आगे ऐसा ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया, राष्ट्र संघ को बनाया जाने लगा, उस पर विचार किया जाने लगा कि क्यों ना हम कोई ऐसा संघ बनाए जिसमें सभी देश मिलकर क्या करें, शांति कायम करें, शांति को बनाए। अगर उन्होंने किसी ने भी युद्ध भी करना है तो उसके लिए क्या करें, पहले पता होना चाहिए कि आपका युद्ध किस लिए है। और ये चाहते थे कि हम क्या करें, समझौते से ही उसका निपटारा कर दें ताकि कोई भी कैसा भी नुकसान ना उठाना पड़े। इन विचारों के साथ क्या करते हैं, वो राष्ट्र संघ की उत्पत्ति करते हैं। फिर राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ, अब जब इसकी उत्पत्ति होगी तो इसका उत्पत्ति ऐसे तो होगी नहीं, पहले कोई विचार आया है, फिर उसको बढ़ावा देंगे, फिर इसके लिए सम्मेलन होगी, बैठकें होंगी, फिर इसमें विचार रखे जाएंगे, तो इन सब से मिलकर क्या बनता है, राष्ट्र संघ का विकास होता है। और इसका जब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारा क्या है, प्रण संहिता की क्या है, एक तो हमारे संविधान की एक तो प्रस्तावना बनती है इसके अंतर्गत, और 26 धाराएं बना दी जाती है, धाराएं बनेंगी इसमें 26, जिससे क्या होगा कि राष्ट्र को जो है पूर्ण रूप से क्या है, विकसित किया जा सके।
तो जैसे संविधान के अंदर था, हमारे अनुच्छेद बनाए गए थे, तो किन चीज़ों को देख के बनाए गए थे कि हमारे जो है जितने भी लोग हैं जन कल्याण के लिए, और राष्ट्र संघ भी किससे रिलेटेड है, हमारा जन कल्याण से रिलेटेड है। इससे क्या है, विदेशी संबंध है वो भी क्या है, हमारे प्रेम पूर्वक रहें। तो इसीलिए क्या हुआ कि राष्ट्र संघ का विकास होता गया। जिन्होंने युद्ध किया उनका क्या किया गया, यहाँ से सदस्यता भी हटा दी गई। तो ये सब चीज़ें हम क्या है आगे इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र संघ की प्रस्विदा, यानी कि संविधान और इसके उद्देश्य। प्रस्विदा का मतलब होता है संविधान। इसके अंदर एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या कहा गया कि हम जो जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वो क्या है कि आपसी जो है समानता का संबंध बना के रखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध है उनमें क्या है शांतिपूर्ण से रूप से क्या करेंगे, समझौते करेंगे। फिर है संघ की सदस्यता। संघ की सदस्यता हमारी क्या होती है, राष्ट्र संघ की सदस्यता। राष्ट्र संघ की सदस्यता उन्हें प्राप्त होती है जिन्होंने क्या किया, पूर्ण रूप से इसमें सहयोग दिया। जिन्होंने राष्ट्र संघ को बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग दिया। इसमें क्या होता है कि एक देश के 3 सदस्य क्या है इसमें मीटिंग में आ सकते थे, एक देश के 3 सदस्य आ सकते थे, लेकिन सदस्यों की जो है सदस्यता जो है वो एक की ही मानी जाएगी। कि किसी देश के 3 मेंबर तो आ गए लेकिन देश क्या है एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक सदस्य ही माना जाएगा इसका। फिर है राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। इसके क्या है, हमारे 4 अंग होते हैं, जिससे क्या है जो राष्ट्र का संघ है इसके क्या है कार्यों को बांटा गया है। इनके जो अंग है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रशासनिक रूप है उसमें इन्होंने कैसे वर्क किया है, जो इनका जो राजनीतिक रूप है उनमें कैसे वर्क किया है, सुरक्षा से लेके इनका कैसा काम है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अगर सुरक्षा है तो वो भी किससे रिलेटेड है, इसके अंग से रिलेटेड है। तो इसमें हमारे 5 अंग हैं इसके, इसके हमारे 5 अंग है। राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो है हमारे वो 5 हैं, जिनको हम बाद में डीपली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है राष्ट्र संघ के कार्य। अब राष्ट्र संघ ने किस पे कार्य किया, शांति के लिए कार्य किया, सुरक्षा के लिए कार्य किया, राजनीतिक संबंधों पे कार्य किया, क्षेत्रीय संबंधों पे इन्होंने कार्य किया। जैसे क्या है हमारी जो सीमाएं होती हैं उनके क्षेत्राधिकार के लिए भी इसमें क्या है कार्य किया गया है। फिर राष्ट्र संघ की असफलता के कारण, असफलता के कारण क्या हो सकते हैं कि इन्होंने जब बोला कि हम क्या है युद्ध नहीं करेंगे, दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर कोई देश अगर वो आक्रमण कर देता है तो वो भी क्या है राष्ट्र संघ की असफलता का ही कारण है। तो ये क्या करते हैं, उनकी सदस्यता को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन होती किसकी असफलता है, राष्ट्र संघ की असफलता है कि पहले तो वो इसके साथ जुड़ गए लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपने ही राय बना ली। तो ये है, और जैसे अमेरिका का असहयोग हो गया वो भी क्या है इनका असफलता का कारण है। जैसे सोवियत संघ ने क्या किया, अपना अलग से निर्माण कर लिया। तो ये सब क्या है राष्ट्र संघ की असफलता के कारण है। तो अब हम जानेंगे कि राष्ट्र संघ है क्या। तो विश्व में जो शांति है और सुव्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए जो संपूर्ण मानव जाति है उसके कल्याण से क्या है एक उद्देश्य रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
के रूप में एक उद्देश्य से क्या है, मानव मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में किसका निर्माण होता है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो ये किस लिए होती है, विश्व में शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करने के लिए। कल्याण किसका होगा, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, उसके उद्देश्य से क्या किया गया है, राष्ट्र का निर्माण किया गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि सन 1914 से 1918 तक क्या है, जो विश्व में जो है प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें क्या, सभी को आग में, विश्व युद्ध की जो आग थी उसमें सभी को जलना पड़ा था। तो उस चीज से क्या हुआ कि जन धन का क्या है, बहुत ज्यादा विनाश होता है। और इस कारण से क्या है कि जो पुनर्विश्वव्यापी स्तर है उन्हें क्या महसूस होने लगता है, अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनुभव किया गया। इस स्तर पर उन्हें क्या महसूस हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि जो है हमारा जो युद्ध वगैरह है वो क्या है, वो बंद हो जाए, ताकि लोगों का इतना नुकसान ना हो, धन का इतना नुकसान ना हो। क्योंकि क्या है कि अगर कहीं पे भी विश्व युद्ध होता है तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, उस लेवल पे दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने घर बनाया, आपकी इमारत क्या है, टूट गई किन्हीं कारणों से, अब आप उस टूटे हुए घर को दोबारा से मरम्मत करवाएंगे तो क्या वो आसान होगा, नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल होता है। सेम ऐसा ही जो है हमारा क्या है कि जब युद्ध हुए, युद्ध के बाद में क्या है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी नुकसान हुआ, जन कल्याण को भी नुकसान हुआ, जनता को भी नुकसान हुआ। तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए एक अनुभव किया गया, और इसी अवधारणा से क्या बना हमारा, राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, अब हम इसे पढ़ेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे हुई। आपका क्वेश्चन बनता है राष्ट्र संघ की उत्पत्ति और विकास के कारण बताएं। तो राष्ट्र संघ की उत्पत्ति कैसे होती है कि मैरियट के शब्दों में प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत है उसके जाने के पश्चात क्या होता है, विल्सन ने, अब जो सबसे पहला बंदा था वो कौन था, विल्सन, उसने क्या कहा कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना, उसने अपनी एक इच्छा रखी कि ऐसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए जिसके द्वारा क्या है, सभी देशों के जो आपसी झगड़े वो क्या है, शांतिपूर्ण हल किए जा सके, और उसमें क्या हो कि अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं उन पर सुगमता पूर्वक क्या है, विचार किया जा सके। ये किसने कहा था, मैरियट के शब्दों में था, क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हो जाने के पश्चात जो विल्सन ने, एक विल्सन नाम का पर्सन था, उसने क्या किया था कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए, उसने अपनी एक इच्छा जाहिर की है जिससे क्या हो, आप जो देशों के बीच में आपसी है वो क्या है, झगड़े हैं, वो शांतिपूर्वक निपटाए जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उनको भी क्या है, सुगमता पूर्वक क्या है, उनके निपटा दिया जाए। तो प्रथम विश्व युद्ध के जब अंतिम क्षण आते हैं तो उसमें क्या है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो विचार सबसे पहले किसने रखा था, ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने बोला था किस लिए, विश्व शांति के लिए, और इन्होंने क्या दिया था, 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कितना सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, किसने किया था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन ने। और इस कार्यक्रम में क्या है कि विश्व की जो भावी रचना है और जो स्थाई है उनके बारे में बताया गया।
और ये कब रखा गया, 14 जनवरी 1919 को एक आयोग का निर्माण हुआ, वो कौन सा था, राष्ट्र संघ आयोग, जिसके द्वारा क्या है, संविधान का ड्राफ्ट, संविधान यानी कि प्रसविदा जो हमारी थी उसका एक ड्राफ्ट रखा गया, तो उसे क्या है फिर शांति सम्मेलन के सामने रखा गया। एक ड्राफ्ट जो बनाया गया था, संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया गया था, उसको कहाँ रखा गया, जो प्रसविदा बनाई गई थी उसे कब रखा गया था, शांति सम्मेलन में सबके सामने रखा गया था, और इसके संशोधित रूप को, और जब ये ड्राफ्ट जब इस पे चर्चा हुई तो इसको क्या है फिर इसका संशोधित रूप बनाया गया, वो कब बनाया गया, 28 अप्रैल 1919 को, फिर इसको क्या किया, शांति सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था 28 अप्रैल 1919 को, शांति सम्मेलन में इसको स्वीकार किया गया। 10 जनवरी 1920 को क्या है, राष्ट्र संघ का प्रसविदा यानी कि संविधान लागू कर दिया गया था, और इसी से क्या होता है, हमारे राष्ट्र संघ का जन्म हो जाता है, यानी कि यहां से हमारे राष्ट्र संघ की क्या है, उत्पत्ति हो जाती है। फिर ये क्या करते हैं, शांति के लिए सभी देशों का क्या है, एक संगठन स्थापित करने की बात कही है, तो वो किसके अंतर्गत कही गई है, हमारे राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ की उत्पत्ति होती है तो वो किस लिए होती है, हमारे शांति के लिए सभी देशों का एक जो संगठन स्थापित किया गया है, करने की बात कही गई है, उसे ही क्या बोला गया, हमारा राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। फिर राष्ट्र संघ का क्या है, विकास कैसे हुआ, वो भी जानना जरूरी है। तो प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ होता है तो क्या होता है, विश्व स्तर पर क्या है, युद्ध बंद करने के लिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर युद्ध होना, तो उस चीज को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक संगठन की आवश्यकता को महसूस करने लगे कि कुछ ऐसा हो कि जो युद्ध है वो चर्चा करके निपटा दिए जाए, आपस में झगड़े करने ही ना पड़े, हथियार उठाने ही ना पड़े एक दूसरे के सामने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र संघ के निर्माण का जो विषय है वो क्या कर लेता है, एक पूर्ण रूप से आग पकड़ लेता है कि हाँ ये तो बनाना ही चाहिए, और ये जो चर्चा का विषय भी बन जाता है मोस्टली रूप से। फिर 1915 में क्या हुआ, अब देखते हैं कि हमारे राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। तो 1915 में क्या होता है, हमारा शांति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय पर विचार किया जाने लगा। जैसे इसके क्या है, जो पर्सन थे वो कौन कौन थे, उनका भी जिक्र किया गया है। तो जो है हमारे अनौपचारिक रूप से विख्यात अमेरिकन, यानी कि जो अमेरिकन, अमेरिका के जो लोग थे उन्हें अमेरिकन बोला गया, हैमिल्टन, हॉल्ट, थियोडोर, मारबर्ग, ए लॉरेंस, लॉवेल, और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रेफ्ट थे वो भी क्या है, इस समूह में क्या हुए, एकत्रित हुए थे। ये इतने लोग थे जो फर्स्ट टाइम क्या है, इसमें एकत्रित हुए थे। और इनके प्रयास ने क्या किया था, सन 1915 में ए लीग टू इनफोर्स पीस, ए लीग टू इनफोर्स पीस यानी कि शांति कायम करने के लिए संघ की स्थापना की गई। इसका मीनिंग है ए लीग टू इनफोर्स पीस यानी कि शांति कायम करने के लिए संघ, तो उसकी क्या है, स्थापना हुई। फिर इनकी जो पहली बैठक हुई, सबसे पहले इनकी बैठक हुई है जून 1915 में, इनकी जो पहली बैठक होती है वो होती है जून 1915 में, उसमें क्या है,
जो फिलाडेल्फिया है वहां की जाती है। इनकी जो पहली बैठक कहाँ की जाती है? फिलाडेल्फिया में की जाती है जून 1915 को। फिर इसमें क्या है, चार कार्य निर्धारित किए। जब ये बैठक हुई पहली बैठक, तो इसमें क्या है, चार कार्यों को निर्धारित किया गया। वो चार कार्य कौन कौन से हैं? कानूनी विवादों के समाधान के लिए, सबसे पहले तो कानूनी विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जाए। पहला कार्य इन्होंने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा क्या था, एक परिषद का निर्माण किया जाए जो क्या करे, राजनीतिक जो विषयों के विवादों है की जांच करे, और फिर क्या है, उनको सिफारिश के माध्यम से उनका निपटारा भी करे। फिर तीसरा इनका कार्य क्या था, शांतिपूर्ण हल को स्वीकार न करने वाले पक्ष को विरुद्ध विश्व समुदाय द्वारा आर्थिक एवं सैनिक कार्रवाई को अमल में लाया जाए। अगर कोई इनकी बात ना माने, अगर कोई शांतिपूर्ण जो हल है उसको स्वीकार ना करे, कई ऐसे पक्ष भी होते हैं, तो उनके लिए क्या है, विश्व समुदाय द्वारा आर्थिक और सैनिक जो है कार्रवाई वो की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई प्यार से माने तो ठीक है, वरना जोर जबरदस्ती से भी हम अपनी बात मनवाएंगे। फिर फोर्थ जो इनका कार्य था वो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के लिए क्या है, समय समय पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, ताकि यहाँ पे ये क्या कर सकेंगे, जो ये लीग टू इन्फोर्स पीस है, ये योजना जो बनाई गई थी, ये किसके बेस पे बनाई गई थी, हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रेफ्ट, उनके क्या है नेतृत्व में, ये क्या थे, हमारे अमेरिका के जो भूतपूर्व, अमेरिका के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे ट्रेफ्ट, उनके नेतृत्व में बनी थी ये लीग टू इन्फोर्स पीस। और ये क्या है, सबसे पहली एक बैठक जो है उसका निर्माण करते हैं। और जब ये योजना बनी, इन्होंने जब एक योजना बनाई, तो उस योजना का क्या नाम रखा गया, ट्रेफ्ट योजना। इस योजना का नाम रखा गया ट्रेफ्ट योजना। आज भी ट्रेफ्ट योजना का जो नाम है वो किसके कारण से जाना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रेफ्ट थे उनके नाम से जाना जाता है, ट्रेफ्ट योजना। ये आपका जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है। फिर है उपयुक्त चारों जो निर्णय है उनको क्या है, कार्य में लाने के लिए इन्होंने क्या किया गया था, मई 1916 में वॉशिंगटन में एक क्या है, सम्मेलन बुलाया, जिसमें किसने भाषण दिया, राष्ट्रपति विल्सन ने। क्या कहा कि जो संगठन की स्थापना का जो समर्थन है, जिसके द्वारा समुद्रों को स्वतंत्र रखा जा सके, कि जो संगठन है उसकी स्थापना का समर्थन तो किया, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो समुद्र है, जो समुद्र होते हैं उनको क्या है, स्वतंत्र रखा जाए, और जो सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता है और नैतिक स्वतंत्रता है उसकी भी रक्षा की जा सके। फिर क्या होता है, हमारा दिसंबर 1916 में जो राष्ट्रपति विल्सन थे उन्होंने क्या है, संपूर्ण विश्व की शांति और न्याय की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया। और ये जो अपना का सुझाव प्रस्तुत किया, इससे क्या होता है, हमारा राष्ट्रसंघ की स्थापना, इसके आधार पर तैयार करने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हेतु, यानी कि अभी स्थापना इन्होंने की नहीं है, उसका विकास कार्य चल रहा है, तो उसके लिए क्या है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कि इसकी क्या हो, राष्ट्रसंघ की स्थापना हो। तो योगदान किसने दिया था, जो राष्ट्रपति विल्सन थे इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति विल्सन ने क्या किया था, 22 जनवरी 1917 को अमेरिका के जो सीनेट को क्या किया था, सूचित किया था कि यदि शांति को स्थायी बनाना है
तो जो मानव जाति है ना, उसकी जो संगठित महान शक्तियां हैं, तो ये क्या है, उसी के द्वारा ही संभव होगा, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा। तो ये जो ओएस बेकर है, इनकी एक बुक थी, वो थी वुड्रो विल्सन एंड वर्ड सेटलमेंट। तो इन्होंने क्या किया, ओएस बेकर ने एक अपनी बुक लिखी, किस पर लिखी, वुड्रो विल्सन जो कौन थे, राष्ट्रपति थे, और उनके ऊपर एक बुक लिखी, और उनमें क्या बताया इन्होंने, एंड वर्ल्ड सेटलमेंट, और क्या है, पूरे विश्व को क्या है, सेटलमेंट करने की बात कही गई थी। तो इन्होंने क्या लिखा है अपनी बुक के अंदर, कि राष्ट्र संघ विधान का कोई भी लक्षण राष्ट्रपति अपने विचार की उपज नहीं था, उसके राष्ट्रपति की अपने विचार की उपज नहीं थी, वो क्या कर रहा है, दूसरों के विचारों को और सुझावों को क्या है, कुशल संपादन किया उसने, यानी कि जो दूसरों के विचार उसके पास आ रहे थे और जो दूसरों के सुझाव आ रहे थे, उसने क्या किया, उसको एक सही दिशा दे दी। फिर इस प्रयास के बाद में क्या है, राष्ट्रपति विल्सन ने क्या किया, 8 जनवरी 1918 को अपना प्रसिद्ध जो 14 सूत्रीय क्या है, 14 सूत्रीय शांति कार्यक्रम एक प्रकाशित किया था। यहाँ पे संपादन किया उन्होंने, संपादन करना क्या होता है कि एक ऐसा नोट लिखना। तो अब इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने सूत्र लिखे थे 14 सूत्रीय शांति के ऊपर बेस्ड था, तो उसको क्या किया, प्रकाशित कर दिया, और इसका जो अंतिम सूत्र है उसको घोषित किया गया कि जो छोटे और बड़े राज्य हैं उनको क्या है, समान रूप से स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की पारंपरिक आश्वासन देने के लिए निश्चित सुविधाओं के लिए अंतर्गत राष्ट्रों का एक सामान्य संघ बनाया जाना चाहिए। जो लास्ट की इनकी थी, इनकी जो 14 सूत्रीय थी, तो इनका जो लास्ट का यानी कि 14वां जो सूत्र था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो छोटे बड़े राज्य हैं उनके जो भी राजनीतिक हैं, स्वतंत्रता है, प्रादेशिक अखंडता है, या उनके जो पारंपरिक जो भी आश्वासन देने के लिए इन्होंने क्या है, अंतर्गत राष्ट्रों को क्या है भी सभी के लिए एक सामान्य संघ का निर्माण किया जाना चाहिए, सबके लिए एक ही संघ हो। तो सन 1918 में फिर राष्ट्रपति विल्सन के क्या है, एक फिल्म और स्मृति को रखा गया इनके मुख क्या है, इनके सामने सन 1918 को राष्ट्रपति विल्सन के सामने क्या है, एक स्मृति को रखा गया था जिसका नाम था फिलिमोर। और फिलिमोर स्मृति थी क्या, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या थी कि जो ब्रिटिश के न्यायवेत्ता की अध्यक्षता में एक गठित एक समिति थी। फिलिमोर स्मृति क्या थी, ब्रिटिश न्यायवेत्ता की अध्यक्षता में गठित हुई थी, यानी कि गठन हुआ था एक समिति का। तो वो क्या थे, हमारी कौन सी समिति थी, फिलिमोर समिति, और इसका काम क्या था, ब्रिटेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की योजना पर विचार विमर्श करने का कार्य इसे दिया गया था। फिलिमोर समिति का काम क्या था कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की योजना होगी उस पर ये क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। फिर क्या किया है इस समिति ने, स्थायी शांति के लिए कुछ योजनाएं जो है उनका अध्ययन किया था, और उनका अध्ययन करके इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार की थी। और वो रिपोर्ट कब तैयार की थी, सन 1918 में। जब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया तो इसको एक नाम दिया गया, फिलिमोर प्रतिवेदन। उस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया था, फिलिमोर प्रतिवेदन। और इस फिलिमोर प्रतिवेदन का जो पहला सुझाव था, क्योंकि इसका काम ही यही था कि विचार विमर्श करना है, तो इसका पहला सुझाव क्या था, किसी भी राष्ट्र को अपने विवादों और विवाचन और संवाद के समक्ष भेजे बिना
क्या है कि अपने जो भी विवाद होते हैं, जो भी उनकी विवाचन है, अगर उनका सराधन वो क्या है समक्ष भेजे बिना, यानी कि जिनसे क्या है किसको भेजे बिना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन तैयार किया गया था उसको भेजे बिना क्या है अगर वो युद्ध प्रारंभ कर देता है तो उसे ये अधिकार नहीं है कि वो बिना ही इंफॉर्मेशन के युद्ध वो कर दे। तो इस क्या है ये जो प्रावधान है इसको किसमें रखा गया था, फिर राष्ट्र संघ के विधान का ये क्या बन गया 12वां अनुच्छेद भी बना दिया गया। इसे क्या बनाया गया था, इस प्रावधान को 12वां अनुच्छेद बना दिया गया। किसको बना दिया गया कि अगर कोई बिना इंफॉर्मेशन के, बिना इंफॉर्मेशन भेजे अगर वो युद्ध स्टार्ट कर देता है तो ये उसे अधिकार नहीं है, उसे क्या है दंड भी दिया जा सकता है। इसको किस में रखा गया 12वें अनुच्छेद में रखा गया। फिर इसने क्या है जो फिल्म और प्रतिवेदन था इसने क्या किया, दूसरा सुझाव दिया अपना। तो दूसरा सुझाव क्या दिया, यदि कोई राष्ट्र उपयुक्त उपायों की अवहेलना करके अगर युद्ध प्रारंभ कर दे तो उसका जितने भी समस्त सदस्य जो हैं राष्ट्र सम्मिलित हुए हैं तो वो क्या है उसको दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। जितने भी सदस्य किसमें सम्मिलित हैं, राष्ट्र में सम्मिलित हैं, वो क्या करेंगे सभी उसे क्या है दंडित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। फिर इनका आता है हमारा तीसरा सुझाव, फिल्म और प्रतिवेदन का तीसरा सुझाव, वो क्या था कि सदस्य राष्ट्रों के विवादों को या संराधन द्वारा सुलझाने के लिए जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनका सम्मेलन होना चाहिए। जो भी इनके विवाद थे उनको सुलझाने के लिए क्या होना चाहिए, एक मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन होना चाहिए कि ये क्या कर सके आवश्यकता पड़ने पर अपनी बैठक बुला सके। और जो इनकी इस बैठक का निर्णय होगा वो क्या होगा सर्वसम्मति से होगा। इनका जो निर्णय होगा वो किससे होगा, सर्वसम्मति से होगा, यानी कि सबकी राय से होगा। अगर सभी उस चीज में सबकी सहमति होगी तभी होगा, अदरवाइज क्या है इसको क्या किया जाएगा इस योजना के तहत सुलह समझौते की मध्यवर्ती योजना मानी गई है। और इस जो थर्ड वाले को क्या मानी गई है कि ये एक तरह से क्या है सुलह समझौते की मध्यवर्ती योजना है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट इसमें है कि जब इसका विकास होता है, किसका विकास होता है राष्ट्र संघ का, इस टाइप से क्या हुआ हमारे राष्ट्र संघ का विकास हुआ है। फिर इसमें क्या है एक प्रस्तावना रखी जाती है और 26 धाराएं, और जो राष्ट्र संघ का जो मुख्य हमारा कार्यालय है वो कहाँ स्थापित कर दिया गया था, जनेवा के यानी कि स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थापित किया गया था। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थापित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर, बुक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है उन्हीं को कवर अप कर रहे हैं। राष्ट्र संघ की प्रसविदा यानी कि संविधान एवं उद्देश्य कि सबसे पहले तो प्रसविदा यानी कि संविधान वो किससे प्रारंभ होता है, हमारा एक प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। अब उस प्रस्तावना में कहा क्या गया था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड कि हम संघ में शामिल होने वाली क्या है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करें और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसके क्या है सुव्यवस्था के लिए युद्ध का जो मार्ग है उसको नया अपनाते हुए हम क्या स्वीकार करें राष्ट्रों के बीच मुक्त न्यायुक्त और क्या है समानपूर्ण संबंध को स्थापित करें जिससे क्या हो जो सरकार है उसका क्या है पारंपरिक जो व्यवहार है वो क्या है नियमित करे किसको अंतर्राष्ट्रीय जो विधि की धाराएं हैं उनको दृढ़तापूर्ण स्थापित करके क्या करे सुसंगठित करे राष्ट्रों के बीच में और इनमें क्या करे न्याय कायम रखकर जितने भी संधिजन्य दायित्व हों
उन सबका क्या पूर्ण निष्ठा से आदर करते हुए राष्ट्र संघ की सुविधा को स्वीकार करते हैं। प्रस्तावना, जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना है वैसे ये किसकी प्रस्तावना है, हमारे राष्ट्र संघ की प्रस्तावना है। फिर प्रस्तावना के आधार पर इनके उद्देश्य क्या थे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना हो, अर्थात न्याय तथा समान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनका जो विकास है वो क्या है, भावी जो युद्ध होते हैं उनको क्या है, टालता है। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है ये क्या है, किसका उद्देश्य है, हमारे संविधान का उद्देश्य जो हमारा है वो क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या था वो बताया गया है इसमें। तो विश्व के राष्ट्रों के मध्य भौतिक और मानसिक जो सहयोग है उनको क्या करना है, प्रोत्साहन देना है, जिससे क्या हो, मानव जीवन जो है सुखपूर्ण और समृद्ध बन सके। थर्ड ये क्या कहते हैं कि पेरिस का जो शांति सम्मेलन हुआ, उसके द्वारा क्या है, एक व्यवस्था को कायम रखना और अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसमें क्या करना, सरकारों के व्यवहार को उचित नियमों के रूप में दृढ़तापूर्वक क्या है, स्थापित करना है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो राष्ट्र संघ है उसका उद्देश्य क्या है, काफी व्यापक है, क्योंकि ये चाहते क्या है, सिर्फ शांति चाहते हैं, मानव जाति का क्या चाहते हैं कि वो सुख समृद्धि पूर्वक रहे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे क्या है विषय है उनका अगर आपसी क्या है कुछ मतभेद चल रहा है तो उसको क्या है कि बात करके निपटाया जा सके, सभी को समान अधिकार मिल सके, सभी के साथ क्या है न्यायपूर्ण निर्णय हो सके। फिर है राष्ट्र संघ की सदस्यता। तो राष्ट्र संघ की हमारी जो सदस्यता है वो कैसे मिली, सबसे पहले क्या होता है कि इसके जो सदस्य है वो किससे होते हैं, वायसराय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले, कि एक वायसराय संधि होती है उसके ऊपर जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो क्या है, मित्र राष्ट्र देश जो थे वो कौन कौन से थे, जैसे ब्रिटेन था, इसने क्या किए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे किसके ऊपर, जो राष्ट्र संघ का, जो राष्ट्र संघ के जो भी हमारे जो है संविधान लागू किया गया उसके ऊपर। संविधान कब लागू होता है, जब राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं वो उस पर हस्ताक्षर करें, उसे समझें, उसे माने। सबसे पहले क्या होता है, एक सभा या बैठक द्वारा क्या होता है, उसे लागू किया जाता है। तो उसे जब लागू किया गया वो हस्ताक्षर किसने किए थे, ब्रिटेन ने किए थे, इटली ने किए थे, जापान ने, चीन ने, फ्रांस ने। तो अमेरिका क्या करता है, इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था, अमेरिका उस टाइम इस राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे कुछ अपने निजी कारणों की वजह से। फिर जर्मनी क्या करती है, सन 1926 में इसका सदस्य बन जाता है, और ये सदस्य बन तो जाता है पर अक्टूबर 1933 में क्या है, इसे हट गया ये। फिर सोवियत संघ 1933 में क्या है, इसका सदस्य बना, और 1940 में क्या किया इसने, फिनलैंड पर आक्रमण करने के बाद में इसकी क्या है, सदस्य को ये क्या हो गया, इसकी सदस्य को हटा दिया गया था। इसकी सदस्यता को हटाने के बाद में अब ये क्या हो गया, उससे वंचित हो गया। 1933 में तो आया था सोवियत संघ, 1940 में इसकी सदस्यता कम हो गई, खत्म हो गई यहाँ से। फिर आता है हमारा जापान। जापान क्या करता है 1933 में, और इटली क्या है 1937 में, फिर अपनी क्या करता है, सदस्यता का त्याग कर देता है। जापान 1933 में, इटली 1937 में अपने सदस्यता का त्याग कर देता है। फिर क्या है, सन 1938 में क्या होता है, संघ के सदस्यों की कुल संख्या अब कितनी रह गई, 62। जैसे हर देश की एक थी सदस्यता जो थी, मतलब एक मेंबर को माना गया था एक देश की सदस्यता को,
तो अब कितने घट गए? चार पांच हट गए यहां से, अमेरिका नहीं बन सका, जापान हट गया था, ठीक है, फिर फिनलैंड पर आक्रमण करने के बाद में क्या है, इटली भी हट गया एक तो, और फिनलैंड पे आक्रमण किसने किया था, सोवियत संघ ने, तो ये भी हट गया। तो ऐसे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, इनके जो सदस्यों की संख्या है वो कम हो गई। फिर क्या होता है, अप्रैल 1946 में इनकी अंतिम बैठक होती है, तब इनकी संख्या घटकर ओनली कितनी रह जाती है, 43। बीच में सभी क्या है, आते जाते रहे, फिर 1946 में टोटल सदस्य कितने रह गए, 43। और इसमें कितने जो है, 34 जो राज्य है उनके प्रतिनिधियों ने क्या किया था, इस बैठक में भाग लिया था। 43 में से सिर्फ 34 ने भाग लिया, यानी कि जो 9 राज्य थे उन्होंने क्या किया, जो 9 देश थे उन्होंने अभी तक इसमें भाग नहीं लिया था, वो नहीं आए थे, बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इन्होंने रूल रेगुलेशन को तो माना, पर क्या है, वो बैठक अटेंड नहीं कर सके, यानी कि मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। फिर है राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, इसके अंग कौन से, एक असेंबली हो गई। असेंबली क्या होती है, दूसरा हमारा क्या हो गया, परिषद हो गया, काउंसिल। थर्ड हमारी होगी इसकी जो सचिवालय हो गया। फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय का न्याय का क्या है, स्थायी न्यायालय हो गया। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। तो ये सारे हमारे क्या है, इसके अंग है। अब हम हर अंग को क्या है एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। राष्ट्र संघ का जो प्रत्येक सदस्य था वो देश का क्या है, उसके एक सदस्य को एक सभा का क्या है, एक सदस्य माना गया था। अगर किसी के 3 सदस्य भेजे जाते हैं तो भी क्या है, उनका मत एक ही गिना जाएगा। अगर वो अपनी राय देते हैं तो भी क्या है, उनका क्या है, एक ही माना जाएगा। और इसकी सभा की बैठक वो कहाँ होती थी, प्रतिवर्ष जनेवा में होती थी। और जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में था, क्योंकि ये क्या था, जो राष्ट्र संघ है हमारा उसका क्या है कार्यालय जो स्थित था वो कहाँ था, जनेवा में स्थित था, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो विचार विमर्श किया जाता था तो वहाँ पे क्या होता था कि जो एक तिहाई सदस्य होते थे उनकी जो बहुमत होती थी उसी से क्या है राष्ट्र संघ का जो सदस्य वो बनता था। सभा में एक तिहाई सदस्यों की अगर हामी होती थी तभी क्या होता था, राष्ट्र संघ का उसे सदस्य बनाया जाता था। और इसके जो परिषद के जो सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उनके क्या है, जो न्यायाधीश होते थे उनका भी क्या है निर्वाचन करते थे, ये उनको भी चुनते थे। फिर आता है हमारा परिषद। परिषद हमारा जो सेकंड इसका अंग है वो है परिषद। इसमें क्या होती है कार्यपालिका, हमारे उसमें क्या होते थे, जो भी हमारी काउंसिल होती थी वो किसके अंडर में आती थी, जो हमारी कार्यपालिका होती थी वो किसके अंडर में आती थी, राष्ट्रपति के अंडर में आती है। यहाँ पे जो परिषद हमारे क्या है, जो राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका थी उसमें क्या होते थे, जो सभा से अधिक शक्तिशाली होती थी, क्योंकि इसकी जो सभा होती है राष्ट्र संघ की जो सभा थी राष्ट्र सभा, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, कार्यपालिका। फिर इनकी जो शक्तियां होती है उसका क्या है एक सिद्धांत था। वो सिद्धांत क्या है, जो परिषद की जो सदस्यता है वो 2 प्रकार की थी, एक तो स्थायी थी और एक अस्थायी थी। जो बड़े देश थे उनकी परिषद के सदस्य जो होना चाहते थे, और जो छोटे देश के जो होते थे उनके क्या है विरोध के कारण उन्हें क्या है अस्थायी सदस्यता दी गई। बड़े देशों को क्या है स्थायी दी गई थी, और जो छोटे देश थे वो क्या है, तो देशों के जो विरोध के कारण उन्हें क्या किया गया था कि अस्थायी सदस्यता दे दी गई। बट इनके जो संविधान है उसके अनुसार क्या था, जो भी मुख्य जो मित्र थे राष्ट्र थे एलाइड जो पावर्स थी उनको क्या है स्थायी सदस्य थे वो। लेकिन अमेरिका की यहाँ पे क्या हो जाती है, सीट खाली रह जाती है, क्योंकि वो क्या है राष्ट्र जो संघ था उसका सदस्य बन ही नहीं सका था। तो इसके जो 4 स्थायी सदस्य थे वो कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान और इटली।
स्थाई और अस्थाई जो देश थे उनकी संख्या क्या है, घटती बढ़ती रहती थी। जैसे जर्मनी और सोवियत संघ आगे चलकर क्या है, स्थाई सदस्य बने थे। और अस्थाई जो देश थे उनकी जो संख्या प्रारंभ में 4 थी और 1939 में क्या हुआ, ये 11 हो गई। और जो अस्थाई जो सदस्य है वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते थे। और जो विवाद होते थे उनका क्या है, जो राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में आते थे और उन पे क्या है, जिन विषयों को विश्व में शांति की, जिनका संबंध किससे होता था, विश्व में शांति से संबंध होता था, तो उन्हें क्या किया गया था, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए उन सब पर क्या, कौन विचार करता था, परिषद विचार करती थी। और परिषद क्या करती थी, वो कुछ जो विषय थे वो किसके अधिकार में आते थे, परिषद के अधिकार में ही आते थे। जैसे जो सेक्रेटरी होते थे वो क्या, जनरल द्वारा ही क्या उनकी नियुक्ति की जाती थी। हथियारों को घटाने की जो योजना बनाना, ये भी क्या है, इस जो परिषद होती थी इसके क्षेत्राधिकार में आते थे। किसी भी सदस्य को राष्ट्र संघ से निकालना हो, ये भी किसके अधिकार में आते थे, परिषद के अधिकार में आते थे। फिर नेक्स्ट हमारा अंग आता है इसका सचिवालय। और जो सचिवालय होते हैं ना, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होता था। इसकी सलाह के लिए क्या होते हैं, सचिवों के लिए और अन्य स्टाफ की क्या है, नियुक्ति करते हैं। जैसे हमारे क्या है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की क्या है, नियुक्ति की जाती थी। वैसे यहाँ पे क्या है, जो सेक्रेटरी जनरल होते थे उसकी सलाह के लिए परिषद में क्या है, सचिवों की क्या है, नियुक्ति की जाती थी। और सचिवालय का जो कार्य होता था वो प्रशासनिक कार्य का संचालन करना था। अगर किसी भी राष्ट्र संघ की कार्रवाई को लिखना है, ये किसका कार्य है, सचिवालय का। राष्ट्र संघ के लिए आवश्यक आंकड़े जो इकट्ठे करने हैं वो भी किसका काम था, सचिवालय का। अब इसका नेक्स्ट जो है चौथा अंग, वो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। जो हमारा जो इसका राष्ट्र संघ का जो संविधान था उसके अंतर्गत क्या है, एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और उसकी स्थापना कब हुई थी, 13 दिसंबर 1920 को हैंग में हुई थी। इसकी स्थापना हैंग में हुई थी, किसकी, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय स्थापित किया गया था, ये कब किया गया था, दिसंबर 1920 को किया गया था। और पहले इसमें क्या होते थे, स्टार्टिंग में इसमें 11 न्यायाधीश थे और 1931 में क्या कर दी, इसकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई थी। और जो न्यायाधीश सभा है वो क्या है, एक वर्ष के लिए क्या करती थी, निर्वाचित किए जाते थे। न्यायाधीश जो है वो सभा द्वारा क्या है, एक वर्ष के लिए ही रखे जाते थे, फिर उन्हें चेंज कर दिया जाता था। और जो न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था वो दो प्रकार का था, एक तो ऐच्छिक था और एक आवश्यक था। एक तो इच्छा के हिसाब से था और एक क्या था, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। जब दो या दो से अधिक राज्य कोई विवाद निर्णय के लिए इसके सामने उपस्थित करते थे तो वो क्या हो जाते थे, ऐच्छिक अधिकार क्षेत्र था। कि उन दोनों को क्या है, किसके सामने प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में, न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया गया था। लेकिन जो न्यायालय के संविधान के साथ संकलन होकर परपत्र पर जो हस्ताक्षर करता था, इसके अनुसार क्या है, जो राज्य जो स्वीकार करता था, जो संधियों की व्याख्या करता था, अंतर्राष्ट्रीय जो इनके उत्तरदायित्व थे, उत्तरदायित्व उनका जो अगर उल्लंघन और कोई भी क्या है क्षतिपूर्ण से संबंध, कोई भी जो अधिकार था न्यायालय का, वो क्या किसके क्षेत्र में आता था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, वो क्या हो जाता था, आवश्यक हो जाता था। उस पर क्या है, निर्णय देना क्या था, आवश्यक था। लेकिन अगर दोनों जो दो राज्य हैं उनके अंदर अगर कोई विवाद चल रहा है तो उन दोनों को अगर आमने सामने लाया जाए तो वो क्या था, ऐच्छिक था। और अगर क्या है किसी भी प्रस्तावना के अंदर या जो संविधान के जो क्या है कि किसी भी रूल एंड रेगुलेशन का अगर उसको क्या है क्षति पहुंचती है किसी भी टाइप से तो वो क्या है आवश्यक हो जाता है, उस पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई करना क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ये अधिकार उनके क्षेत्र में क्या है, आवश्यक है। तो जो न्यायालय था
अब वो क्या है, 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके न्याय के लिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। ये जो न्यायालय बना था हमारा, इसको 1940 में संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के रूप में इसको क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। फिर लास्ट आता है हमारा इसका अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। अब जो भी श्रमिक होते थे उनसे संबंधित क्या है, इसमें जिक्र किया गया कि जो श्रम से संबंधी जो भी बातें होती थी, जो भी कारण होते थे, जो भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो जनेवा में स्थापित किया गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, श्रमिकों की जो स्थिति थी उनमें सुधार करना था। और क्या है, उनकी जो शर्तें थी उन पे क्या है, उचित आधार पर निर्धारित करना था, ताकि उन्हें क्या है, वो भी क्या है, राष्ट्र संघ के जो सदस्य नहीं थे जैसे अमेरिका, वे भी क्या है, इस संघ के सदस्य बन गए थे। फिर राष्ट्र संघ के कार्य क्या थे, इनका काम था विश्व में शांति स्थापित करना, यानी कि युद्धों को रोककर राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य क्या था, शांति स्थापित करना। इसीलिए इन्होंने क्या की, कुछ धाराएं जो है वो भी बनाई गई थी। धाराएं कितनी बनाई थी, 26। युद्ध प्रारंभ करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, सबसे पहले इनका काम यह था शांति स्थापित करने के लिए। फिर दूसरा इनका काम यह था कि अगर युद्ध प्रारंभ करने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर क्या है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने और सैनिक कार्यवाही करने की भी व्यवस्था थी। फिर क्या है, निशस्त्रीकरण करने की भी व्यवस्था की गई कि बिना शस्त्र के क्या है, आप युद्ध करें। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास, ये भी इसका कार्य था। तो जो सदस्य है, जो राष्ट्र संघ के सदस्य थे, उनको राज्यों से कहा गया था कि अपने देशों और उन देशों में जिनके साथ उनके क्या व्यापारिक संबंध है, उनके साथ उन्हें क्या करना चाहिए, उनके जो भी स्त्री पुरुष और बच्चे हैं उनके लिए क्या है, न्यायपूर्ण और मानवतापूर्ण जो है स्थितियाँ उत्पन्न करनी है। और जो भी देश क्या है, जनता के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे, सबको ये ऑर्डर कर दिया था कि इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जो भी स्त्री पुरुष और बच्चे हैं उनको क्या करना है, न्यायपरद और मानवतापूर्ण स्थितियाँ उनके लिए उत्पन्न करनी है, और जनता को क्या करना है, सहानुभूतिपूर्ण उनके साथ व्यवहार करना है। इसका तीसरा कार्य है प्रशासनात्मक कार्य। तो राष्ट्र संघ के शासन कार्यों में सबसे पहले क्या होता है, सांदर की जो घाटी है और जो डेजिंग की जो स्वतंत्र नगर होता है उसका क्या है, सबसे पहले जो इसका प्रशासन है वो विशेष महत्व रखता है, इन दोनों का, सांदर की घाटी का और डेजिंग की स्वतंत्र का नगर जो बनते हैं, इन दोनों का क्या है, विशेष महत्व है किसके अंदर, हमारे प्रशासनात्मक जो कार्य है उनके अंदर। इन दोनों की जो शासन की व्यवस्था थी वो किसके थ्रू की गई थी, वायसराय की संधि द्वारा। और ये किसको सौंपी गई थी, वायसराय की जो संधि में इनका जो किया गया था व्यवस्था, शासन की व्यवस्था की गई थी वो राष्ट्र संघ को सौंपी गई थी। नेक्स्ट हमारा आता है मैंडेट संबंधी कार्य। जो मैंडेट इसमें किए गए थे उसके जो कार्य है कि अगर युद्ध के बाद शत्रु राष्ट्र जो है जो भी प्रदेश छीनेगा वो किसको सौंपेगा, राष्ट्र संघ को सौंपना है। और ये क्या है, एक मैंडेट व्यवस्था है कि जो भी उसने क्या है छीना है जिस राष्ट्र को, तो ये क्या करेगा, किसको सौंप देगा, राष्ट्र संघ को सौंप देगा। राष्ट्र संघ क्या करता है, ऐसे प्रदेशों का शासन और जो विभिन्न देशों से क्या है उन्हें अधीन कर दिया था, जिससे क्या उनकी जो प्रशासन संबंधी रिपोर्ट है वो किसको देनी पड़ी थी, परिषद को देनी पड़ी थी। ये सारी रिपोर्ट कहाँ देनी पड़ी है, उन्हें प्रशासन से संबंधित परिषद को देनी पड़ी है। और जो हमारा मैंडेट संबंधित कार्य है वो क्या है कि अगर कोई भी, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शत्रु राष्ट्र थे ना उन्होंने जो प्रदेश छीने थे वो उन्हें किसको सौंपने पड़े थे, राष्ट्र संघ को सौंपने पड़े थे। यही क्या थी, मैंडेट व्यवस्था थी। तो बाकी आप सब इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं।
अल्पसंख्यकों का संरक्षण, मतलब जहाँ क्या है कि जो अल्पसंख्यक जो संख्या थी जिनकी क्या है ज़्यादा थी, जैसे यूरोप के विभिन्न राज्यों में उस समय क्या है अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी थी, 3 करोड़ थी। फिर उनकी जो सुरक्षा है, फिर उनका जो जो सुरक्षा का भार है वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रसंघ के पास जाएगा, पेरिस सम्मेलन को। और उसके बाद जो संधियां की गई थी सारी की सारी किसको सौंपी गई थी, राष्ट्र संघ को सौंपी गई थी। अल्पसंख्यक क्या करते हैं, जो अपनी शिकायत है वो आवेदन पत्र अब किसको भेज सकते हैं, राष्ट्रसंघ को डायरेक्ट भेज सकते हैं, और उस पर क्या करेगा राष्ट्रसंघ, उचित कार्यवाही करेगा। फिर इसका लास्ट कार्य आता है गैर राजनीतिक कार्य। गैर राजनीतिक कार्य यानी कि पहले तो सारा क्या था, राजनीतिक संबंधित काम चल रहे थे, शासन से संबंधित काम चल रहे थे, सुरक्षा से संबंधित काम चल रहे थे, शांति से संबंधित चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या है कि कोई राजनीतिक ऐड नहीं होगी। इसमें स्वास्थ्य संबंधित जो कार्य है उनको रखा गया था, जो आर्थिक रूप से क्या है पूर्ण जो पुनर्निर्माण उनका हो सके, उनके क्या है सहयोग के लिए क्या है प्रयास किए जा सके, स्त्री और बच्चों का जो शोषण है उसको रोका जा सके, जो भी शरणार्थी आते हैं उनकी समस्याओं का क्या है हल करना ही इसका क्या था एकमात्र कार्य था। गैर राजनीतिक कार्य के अंदर क्या क्या आए हमारे, स्वास्थ्य संबंधित आए, जो आर्थिक उनकी स्थिति थी उनको उनको सहयोग देना, स्त्री बच्चों के शोषण को रोकना, और जो भी शरणार्थी आते हैं उनकी क्या है समस्याओं को हल करना, ये इसका कार्य था। तो अब हम इसका जो निष्कर्ष क्या निकलता है हम उसे बढ़ते हैं कि जो 20 वर्ष में जो कार्यालय में जो कार्य किए गए थे उनका क्या था एक ऐतिहासिक महत्व था। उससे क्या है जो सभ्यता और जो संस्कृति हुई थी जितने भी देश थे उनकी जो क्या है सभ्यता और जो संस्कृति थी आपस में उनका क्या होता है आदान प्रदान होता है। उसके माध्यम से क्या होता है विश्व संस्कृति की क्या है स्थापना करना है। जो नशीली वस्तुओं का व्यापार होता है उस पर क्या है इनको रोक लगानी है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी स्थापना करने, जिससे क्या है जो श्रमिक होते हैं उन्हें क्या है पूर्ण रूप से काम दिया जा सके। और जो भी ऐसे कार्य थे जिनको बुलाया ना जा सके, ये क्या है सभी के सभी इम्पोर्टेंट काम थे। जो राष्ट्रसंघ के माध्यम से जो लोग समझ सके कि बिना युद्ध किए हुए शांतिमय तरीके से क्या है समझौते हो सके, वार्तालाप से क्या है समस्याएं सुलझा सके, विवाद जो होते हैं समस्या और जो विवाद थे उनको क्या है सिर्फ उन पर विचार करके, उन पर चिंतन करके, मतलब उनके बारे में क्या है सोच कर, सोच समझ कर उन पर क्या की जा सके निर्णय लिया जा सके। तो ये क्या थी इसकी सबसे बड़ी उपाधि थी। जो इतिहासकार फिशर थे ना उन्होंने लिखा कि विभिन्न देशों को प्रदान किए गए प्रशासनिक जो अधिकार थे उनका जो निरीक्षण था वो क्या है राष्ट्रसंघ ने संपूर्ण विश्व को एक निश्चित अवधि तक युद्धों की लपटों से बचा कर रखा था। तो ये बात किसने कही थी, जो इतिहासकार फिशर थे उन्होंने कही थी। तो इसी के साथ हमारा जो आपका फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर क्या था राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति और विकास, जिसमें हमने इसके बहुत सारे आगे पढ़े पार्ट कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुई, फिर इसकी प्रस्तावना कैसे, इसका संविधान कैसे बना, उसका उद्देश्य क्या था संविधान बनाने का, इसके अंग कौन कौन से थे, इसने कार्य क्या क्या किए थे। तो इन सभी के हमने इसमें क्या किया है चैप्टर को कंप्लीट किया है, और इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो होपफुली आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ये हमें ऐसा लगता है। अगर आपके लिए रहे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए भी वीडियो प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।